हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम माई नेम इज रमन दीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द आर बी आई सकुलर क्वेश्चन फॉर 2024 2024 फोर दो हज़ार चौबीस के सारे आई सर्कुलर्स के क्वेश्चन हम करेंगे फॉर विच एग्जाम फॉर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर माई नेम इज रमन दीप सिंह एंड आई बीन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट थर्टीन ईयर नाउ दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्र डाउट टू आंसर योर डाउट ठीक है स्टूडेंट्स बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर कोर्स इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एग्जाम्स इन विच वी आर प्रोवाइडिंग चलो स्टार्ट करते हैं विदेशन नंबर वन वॉट इज द न्यू बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन टीयर थ्री एंड टीयर फोर सिटीज आप जब एफ कराने जाते हो बैंक में तो दो Uh, जो इंटरेस्ट रेट दिए होते हैं एग्जैक्टली तीन दिए होते हैं सीनियर सिटीजन को छोड़ दें अमाउंट uh, के हिसाब से राइट सो बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट है वो क्या है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टीयर थ्री एंड टीयर फोर सिटीज़ इट इज़ वन करोर एंड अबव एक करोड़ या उससे ज़्यादा जो डिपॉजिट है टीडीज़ है टर्म डिपॉजिट या जो एफडीज़ डीज उसकी एक करोड़ रुपए लिमिट कर दी गई है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 ट्वेंटी फोर इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन भी काफी आते हैं एग्जाम्स uh, में आर सर्कुलर से इस चीज का आप ध्यान रखें अंडर द रिवाइज आर बी आई इंस्ट्रक्शन अ सेविंग अकाउंट बिकम्स इनऑपरेटिव के वाई सी गाइडलाइन से क्वेश्चन है इफ देर इज नो ट्रांजेक्शन फॉर द लास्ट टू ईयर्स दो साल अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो वो एक इनऑपरेटिव अकाउंट बन जाएगा हाउ लॉन्ग आर फंड इन ऑपरेटिव अकाउंट आर हेल्ड बाई द बैंक बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू डिपॉजिटर्स एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डी ई ए फंड जो आर बी आई मेंटेन करता है दस साल तक अपने पास रखेगा बैंक उसके बाद इसको डी ई ए फंड में डाल दिया जाएगा वट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ एन अकाउंट एस इन ऑपरेटिव दो साल तक ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो इनऑपरेटिव हो जाएगा uh, आपके अकाउंट में कोई चार्जेस आर कट गए हैं या आपके कोई कस्ट uh, कोई बैंक ने चार्ज काटा है या कोई टैक्स कटा है कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन है वो नहीं जो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन कस्टमर ने कोई ट्रांजेक्शन करी है किसी को चेक काट के दिया है या कैश डिपॉजिट करवाया है ऐसी ट्रांजेक्शन फिर अगर आपका अकाउंट इन इनएक्टिव नहीं होगा ऑपरेटिव नहीं होगा जो डी फंड है उसका फुल फॉर्म क्या है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड दस साल तक आपके पैसे बैंक अपने पास रखेगा उसके बाद डी फंड में डाल दिए जाएंगे अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हुआ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड बाय से बी फॉर इशुइंग कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सीपी और एन सी इशू करने के लिए आपका मिनिमम ए थ्री रेटिंग होना चाहिए इससे खराब रेटिंग हुआ तो आप इशू ही नहीं कर पाओगे मिनिमम टेन्योर क्या है कमर्शियल पेपर्स का सेवन डेज का मिनिमम टेन्योर है सी और एन का मैक्सिमम टेन्योर एन और सी का है वन ईयर मिनिमम सेवन डेज मैक्सिमम वन ईयर

मिनिमम डिनोमिनेशन इन विच सी पी एन सी डी कैन बी एशूड इज फाइव लाख रुपीज पांच लाख रुपए की मिनिमम डिनोमिनेशन पे इशू हो सकता है उसके बाद इन द मल्टीपल्स ऑफ फाइव लाख पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख ऐसे इशू हो, हो सकते हैं इंक्रीमेंट्स जो मैंने बताया पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख इन द मल्टीपल ऑफ़ फाइव लाख पाँच लाख के, के, के इशू हो सकते हैं दस के पंद्रह के बीस बारह के इशू नहीं हो सकते पाँच लाख दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख ऐसे इशू होंगे NCD और CP's. एज पर आर बी आई गाइडलाइंज ऑन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉन्सन्ट्रेशन नॉर्म्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पर्सनल गारंटीज नहीं है बाकी स्टेट गवर्नमेंट गरंटी क्लेम्स सेंट्रल गवर्नमेंट गरंटेड क्लेम्स कैश मार्जिनिटरल ये सारे क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वॉट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच एंड ऑर्ड फर्म कैन भी अपॉइंटेड एज स्टेचरी ऑडिटर फॉर स्टेट और कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तीन साल के लिए तीन साल के लिए किसी भी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उसके बाद छः साल का जो है आपका कूलिंग पीरियड होगा ये याद रखें दो टर्म्स का कूलिंग पीरियड होगा प्लीज़ रिमेंबर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट छः साल का कूलिंग पीरियड है तीन साल अपॉइंट करने के बाद आई गेस वही है अगला क्वेश्चन कूलिंग पीरियड कितना है इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट स्टेचुटरी ऑडिटर जो है वो इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट हो जाता है टू टेन के लिए दैट मीन सिक्स इयर्स तीन साल के लिए एक बार ऑडिटर बनने के बाद किसी भी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का दो टेन जो हैं छः साल वो नहीं बन सकते दोबारा कूलिंग पीरियड है वॉट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टीयर वन कैपिटल अ यू कैन लेंड टू अ सिंगल बॉरवर एज़ पर द आरवेज मास्टर सर्कुलर यू सी बी एक सिंगल बॉर्वर को पंद्रह परसेंट अपने टीयर वन कैपिटल का एक सिंगल बॉर्वर को दे सकते हैं एक ही बॉर्वर को ज़रूरत से ज़्यादा लेंड कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है और ग्रुप ऑफ़ कंपनीज होंगी तो उसका अलग है द टोटल एक्सपोजर ऑफ यू सी बी टू हाउसिंग रियल इस्टेट एंड कमर्शियल रियल इस्टेट इज कैप्ड एट टेन परसेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो हाउसिंग रियल एस्टेट कमर्शियल रियल एस्टेट को टोटल टीयर वन कैपिटल का दस परसेंट तक दे सकता है लिमिट है द एग्रीगेट सीलिंग फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसेस एज अ परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इज टेन परसेंट यही सर्कुलर चल रहा है इसको कंप्लीटली लिखा नहीं है फॉर यूसीबीज फॉर यूसीबीज यू जो है टेन परसेंट जो है अपनी टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का 10 परसेंट अनसिक्योर्ड एडवांसेस दे सकती है इससे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते यू सी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग मनी अगेंस्ट देयर ओन शेयर्स खुद के शेयर्स पे लेंड नहीं कर सकते सैलरी अर्नर्ज यू आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स टू टू देयर नॉन मेंबर्स जो मेंबर्स नहीं है उनको लोन नहीं दे सकते इस यू सी बीज़ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ग्रांटिंग ब्रिज लोन इन ऑल द केसेस ब्रिज लोन दे ही नहीं सकते बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए परचेज ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए ऑल ऑफ दीज ब्रिज लोन नहीं दे सकते यूसी बीज विच अथॉरिटी अलॉट्स टेरिफ रेट कोटा होल्डर्स अंडर इंडिया यू आई कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर इंपोर्टिंग गोल्ड इसका जो लाइसेंस कह लीजिए आप टी आर क्यू होल्डर्स को जो मिलता है जो टी आर क्यू मिलता है होल्डर्स को मिलता है वो कौन इशू करता है डी जी एफ टी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड विच प्लेटफॉर्म द टी आर क्यू होल्डर्स यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड अंडर द आई टी सी कोड विच एवर इट इज मैंशन द आई आई बी एक्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यूज करते हैं द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट फॉर गोल्ड इम्पोर्टेड बाय द टेरेफ रेट कोटा होल्डर्स थ्रू आई आई बी एक्स जो कितनी देर की एडवांस पेमेंट दे सकते हैं ग्यारह दिन पहले जस्ट पेमेंट करी जा सकती है ग्यारह दिन की एडवांस पेमेंट कर सकते हैं गोल्ड मंगाने के लिए आई आई बी एक्स का फुल फॉर्म यू शुड नो द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आई एफ एस सी लिमिटेड मेन परपज़ क्या आई आई बी एक्स का To provide platform for trading and clearing of gold and silver contracts in Gift City, which of the following is a permitted activity for Indian banks on IIBX, as per the RBA circulars? So basically, uh, they can they can act as a trading members or trading and clearing members of IIBX through their branch, subsidiary, joint venture. और एक्ट एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट ऑफ आई आई बी एक्स एंड एग्जीक्यूट ओनली बाय ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट यही कर सकते हैं खुद के ट्रेड जो है वो नहीं इनिशिएट कर सकते अकॉर्डिंग टू द आर बी आई नोटिफिकेशन ऑन फिक्स रिमरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैक्सिमम सीलिंग क्या है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम लिमिट तीस लाख रुपये हो चुकी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मैक्सिमम जो है एनुअल रुमन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तीस लाख रुपए है विच कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स इज एलिजिबल फॉर थ्री परसेंट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन अंडर आई ई एस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन में किन को मिलती है टेलीकॉम वालों को नहीं मिलती बस दो टेलीकॉम वालों को आई ई एस नहीं मिलता है लेकिन थ्री परसेंट वाला जो बेनिफिट एम एस एम ई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को मिलता है एम एस एम ई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलता है

इट टू फेसिलिटेट्स रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट आई होप आपने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑलरेडी इसकी सर्विसेज यूज़ करी होंगी एक्सिस बैंक एच डी एफ सी बैंक प्रोवाइड करते हैं आप अपने मोबाइल ऐप में आपके दूसरे बैंकों में अकाउंट है उसका भी बैलेंस या स्टेटमेंट देख सकते हो राइट सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डेटा भी एक्सेस करते हो कर सकते हो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में किसकी हेल्प से क्लियरिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हेल्प से What do you mean by MTSS? Money Transfer Service Scheme. MTSS means Money Transfer Service Scheme. What is the purpose of uh, To allow personal remittances from abroad to beneficiaries in India. That is the purpose of MTSS. Which system is used for submitting the quarterly remittances uh, under the MTSS? CIMS. Centralized Information Management System. CIMS is used for...

अभी कस्टमर्स दे कैन चूज विच द कार्ड नेटवर्क वीजा चाहिए रुपए चाहिए कौन सा कार्ड चाहिए आपको ये आप चूज करोगे विच कार्ड एश्यूअर एग्जेम्प्ट फ्राम दीज गाइडलाइंस कार्ड एश्य जिनके दस लाख ,00 से कम कस्टमर्स हैं कम एक्टिव कार्ड्स हैं उनके वो उन उनपे ये लागू नहीं होता वट इज़ द न्यू पेनल्टी फॉर कार्ड हु फेल टू कम्प्लाई द कार्ड क्लोजर प्रोसेस पाँच सौ रुपये पर कैलेंडर डे आपने एप्लीकेशन डाल दी कार्ड क्लोजर की कार्ड अगर क्लोज नहीं हुआ तो पाँच सौ रुपये पर डे दे देना पड़ेगा सो स्टूडेंट्स दैट वॉज अ प्रटी शॉर्ट सेशन बारह मिनट में हमने टोटल उनतालीस क्वेश्चन करे हैं सो इफ़ यू नीड मोर सच क्वेश्चन यू शुड ज्वाइन द बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स इन विच वी आर प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडिंग रियली इम्पॉटेंट स्टडी मटीरियल सारे का सारा इम्पॉर्टेंट स्टडी मटीरियल आपको प्रोवाइड करते हैं हम प्रीवियस पेपर सारे प्रीवियस पेपर का हम रिसर्च करते हैं बेस्ट क्वालिटी का स्टडी मटीरियल हम प्रोवाइड करते हैं आप चेक कर सकते हो हमारे डेमो लेक्चर हमारा डेमो स्टडी मटीरियल यूल गेट दी बेस्ट स्टडी मटीरियल दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन द इंटरनेट आपको इतना अच्छा स्टडी मटीरियल और कहीं नहीं मिलेगा So, students, our uh, mobile numbers are also available. You can see here. This is our WhatsApp number. You can ask your doubts here. Hai? And that's all for today. List of our successful students. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really, really happy for them. And you can be one of them. Or I'm 100% sure. Ki aap se ek ho jaoge. You'll get the desired job you'll get यू विल इम्प्रूव योर करियर आप करियर की लेडर को और ऊपर चढ़ते जाओगे और आप जिंदगी में तरक्याँ आपको मिलेंगी राइट right? एंड आज के लिए बस इतना ही एंड आई बी बैक टुमॉरो कल भी क्लास करेंगे एंड थैंक यू एंड हैवे वेरी नाइस डे सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद यर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं बाय